देखिए ग्रीन टीवी यूट्यूब पर भी, बस सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका किसान बुलेटिन में और मैं हूं आपके साथ पारुली यादव। चलिए फटाफट एक नजर डालते हैं खेती किसानी और गांव से जुड़ी आज की बड़ी हेडलाइंस पर। लुधियाना संगरूर जैसे जिलों से दिल्ली आ रहा है किसानों का काफिला। मानसून सत्र में संसद के बाहर प्रदर्शन के लिए तैयार हैं किसान। गन्ने की फसल के नुकसान का आकलन करने खेत पहुंचेंगे कृषि पदाधिकारी। आपदा से नुकसान झेल रहे किसानों को मिलेगा कृषि इनपुट सब्सिडी का लाभ। मधुमक्खी पालन के व्यापार से किसान कमाता है 40 लाख रुपए। देश ही नहीं विदेशों तक बिकता है इनका शहद। कोरोना वायरस के साथ ही देखा जाता है कि ये हमारे फेफड़ों पे खास तौर से दुष्प्रभाव डालता है और सीधे सबसे पहले वहीं अटैक करने की कोशिश करता है। अगर हमें अपने लंग्स को बेहतर बनाना है, ज्यादा स्ट्रांग बनाना है, तो उसके लिए हमें कुछ एक्सरसाइजेस हैं जो अच्छे से करनी चाहिए। खास तौर से डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस, गहरी सांस लेना और छोड़ना। ये गुब्बारे फुला सकते हैं आप, वो भी एक लंग्स के लिए अच्छी एक्सरसाइज होती है। उसके अलावा पेट के बल लेट करके हमें जो है गहरी सांसें लेनी और छोड़नी चाहिए, जिसे हम प्रोन ब्रीदिंग कहते हैं। और जो लोग स्मोकिंग करते हैं उनको ऐसे समय पे जरूर धूम्रपान छोड़ देना चाहिए कि हमारी लंग स्ट्रांग रहे। पिछले करीब 7 महीनों से दिल्ली की सीमाओं पर आंदोलन कर रहे किसानों का सहयोग करने अब पंजाब व हरियाणा के कई जिलों से और संख्या में किसान जल्द ही हिस्सा लेने पहुँच रहे हैं। दरअसल जल्द ही शुरू होने वाले मॉनसून सत्र के दौरान संसद के बाहर प्रदर्शन करने के लिए किसानों ने ऐलान कर दिया है। इसके लिए पंजाब से किसानों का एक काफिला दिल्ली के लिए रवाना भी किया जा चुका है। इस बारे में जानकारी देते हुए बीते सोमवार को संयुक्त किसान मोर्चा ने कहा है कि हमने इसके लिए पहले ही ऐलान कर दिया था कि 22 जुलाई से संसद के बाहर किसानों का प्रदर्शन शुरू होगा, जिसके लिए राज्य के लुधियाना, संगरूर, मनसा, भटिंडा, बरनाला, रोपड़, फाजिलका और फरीदकोट आदि जिलों से किसानों का एक जत्था दिल्ली के लिए रवाना हो चुका है। आपको बता दें कि कृषि कानूनों को रद्द कराने की अपनी मांग पर अड़े किसान हर दिन अपना आंदोलन तेज करने में लगे हुए हैं, जिसके चलते भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत ने भी 5 सितंबर को एक बड़ी महापंचायत करने की घोषणा कर दी है। उनका कहना है कि इस पंचायत में किसान मिलकर आंदोलन के आगे की रणनीति तैयार करेंगे। इतना ही नहीं, इस दौरान उन्होंने पिछले कई दिनों से जारी चुनाव लड़ने की अटकलों पर भी रोक लगाते हुए साफ कर दिया है कि हम चुनाव नहीं लड़ेंगे बल्कि भाजपा को वोट की चोट देंगे। बिहार के गन्ना समेत अन्य फसलों की खेती करने वाले किसानों को राहत देते हुए राज्य सरकार द्वारा एक बड़ा फैसला लिया गया है। इस फैसले के तहत गन्ना किसानों की फसल को नुकसान होने की स्थिति में प्रदेश सरकार द्वारा उसकी भरपाई की जाएगी। वहीं किसानों के लिए सब्सिडी की सुविधा भी उपलब्ध कराई जाएगी। बता दें कि राज्य सरकार द्वारा इस बात का ऐलान 8 जुलाई को किया गया था। इस दौरान सरकार ने राज्य के सभी कृषि पदाधिकारियों को निर्देश जारी कर कहा कि जब जब बाढ़, सुखाड़, असामयिक बारिश एवं अन्य प्राकृतिक आपदाओं की वजह से फसलों के नुकसान का आकलन होगा, तब तब गन्ना किसानों की फसलों के नुकसान का भी आकलन जरूर किया जाए, ताकि गन्ना की खेती करने वाले किसानों को भी नियम के मुताबिक कृषि इनपुट सब्सिडी का लाभ दिया जा सके। खास बात यह है कि सरकार की इस योजना के तहत राज्य के 3 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में गन्ने की खेती करने वाले लाखों किसानों को राहत मिलने की उम्मीद है। खबर की माने तो राज्य में आमतौर पर बाढ़ व सुखाड़ की स्थिति में कृषि विभाग फसलों को होने वाले नुकसान का आकलन करता है, लेकिन अक्सर इस दौरान गन्ने की फसल का आकलन नहीं हो पाता है, जिसके चलते गन्ना किसान हर बार नुकसान की भरपाई से वंचित रह जाते हैं। ऐसे में बिहार सरकार ने ये फैसला किया है कि इस बार अनाज और उद्यानिक फसलों के अलावा गन्ने की फसल के भी नुकसान का आकलन किया जाएगा और किसानों को नियम के मुताबिक कृषि इनपुट सब्सिडी का लाभ मिलेगा। बीते महीने के आखिरी रविवार को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम के दौरान देशवासियों को एक ऐसे किसान के बारे में बताया था जो आज मधुमक्खी पालन करके लाखों की कमाई कर रहा है। हरियाणा के यमुनानगर के गांव हाफिजपुर के रहने वाले 53 साल के मधुमक्खी पालक किसान सुभाष कंबोज 1996 तक एक प्राइवेट स्कूल में शिक्षक के तौर पर काम करते थे, लेकिन इसके बाद उनकी रुचि में बदलाव तब आया जब उन्होंने 1996 में खादी ग्राम उद्योग से मधुमक्खी पालन का प्रशिक्षण लिया, जहां शुरुआती समय में सुभाष ने 6 मधुमक्खी के बॉक्स के साथ मधुमक्खी पालन शुरू किया था, तो वहीं आज के वक्त में उनके पास 2000 मधुमक्खी बॉक्स हैं।
जिनकी खास बात ये है कि ये सभी बॉक्स उन्हीं पारंपरिक 6 बक्सों से ही विकसित किए गए हैं। किसान सुभाष कंबोज की माने तो वो इन बॉक्स को मौसम और फूलों की उपलब्धता के आधार पर महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर आदि में स्थानांतरित करते रहते हैं। वहीं आज के समय में उनका शहद देश भर में अच्छी कीमत पर बिक रहा है और तो और वो अब तक करीब 6000 से ज्यादा लोगों को इसका प्रशिक्षण भी दे चुके हैं। जानकारी के लिए बता दें कि मधुमक्खी पालक सुभाष कंबोज के कारोबार में 35 से 40 लाख रुपए का टर्नओवर है, जिससे उन्हें सालाना कम से कम 15 लाख तक का मुनाफा भी हो जाता है। तो दोस्तों, ये तो वो खबरें थी जिनके बारे में आपका विस्तार से जानना जरूरी था, लेकिन अब जल्दी से एक नजर डालते हैं कृषि क्षेत्र से जुड़ी कुछ छोटी बड़ी अपडेट्स पर। बिहार के डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय पूसा की ओर से बिहार के अलग अलग जेलों में यूनिवर्सिटी की टीम द्वारा डॉक्टर दयाराम की देखरेख में कैदियों को मशरूम की खेती का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। साथ ही मशरूम उगाने के लिए हर एक जेल में मशरूम के बैग भी उपलब्ध कराए जा रहे हैं। खास बात यह है कि इस प्रशिक्षण में जेल के कैदी भी बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। एपीडा ने सहकारी समितियों के साथ साथ किसान उत्पादक संगठनों के कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पादों की निर्यात क्षमता का और अच्छे से इस्तेमाल करने के लिए बीते सोमवार को नैपेड के साथ मसौदा पत्र पर हस्ताक्षर किए हैं, जिसके अनुसार सहयोग के प्रमुख क्षेत्रों के तौर पर एपीडा पंजीकृत निर्यातकों को नैपेड के जरिए भारत सरकार की चलाई जा रही सभी योजनाओं का लाभ उठाने के लिए मदद करेगा। हाल ही में उत्तर प्रदेश के गोरखपुर स्थित मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के कुछ छात्रों ने मिलकर एक ऐसा ऐप तैयार किया है, जिसके जरिए अब किसानों की मेहनत के साथ साथ खेती करने में खर्च भी कम लगेगा और उन्हें बेहतर फसल भी हासिल हो सकेगी। बता दें कि इस ऐप के जरिए खेत की मिट्टी की गुणवत्ता और उसके लिए अनुकूल फसल की सलाह मिलेगी। वहीं अगर किसान की फसल में कोई रोग लगता है तो जरूरी कीटनाशक के नाम के साथ ही ऐप उसकी मात्रा व छिड़काव का समय बताकर किसानों की मदद करेगा। प्रयोगशाला में सफल परीक्षण के बाद फिलहाल एंड्रॉइड बेस्ड इस एप्लीकेशन को खोराबार विकास खंड के जंगल राम लखना गांव में लॉन्चिंग करने की तैयारी पूरी हो गई है। फिलहाल ऐप का लाभ विश्वविद्यालय के आसपास बसे 5 गांवों को ही मिलेगा। उत्तर प्रदेश सरकार ने शहरी सीमा में खेती जमीन पर गोदाम या भंडारण गृह बनाने का फैसला किया है, जिसका फायदा सीधे तौर पर उद्यमियों को मिलेगा। उद्यमियों की माने तो लघु उद्योग पॉल्ट्री के गोदाम को बनाने के लिए कई दस्तावेज प्रक्रिया से गुजरना पड़ता था, लेकिन अब सरकार के इस फैसले के बाद उद्यमियों को राहत मिलेगी और साथ ही आसानी से खेती की जमीन पर गोदाम बनाया जा सकता है और इसी के साथ पॉल्ट्री के कार्य में भी बढ़ोतरी हो सकेगी। तो दोस्तों, आज के किसान बुलेटिन की बड़ी खबरों में फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप मुझे दीजिए इजाजत, कल फिर हाजिर होंगी कुछ नई और बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए आप देखते रहिए ग्रीन टीवी। नमस्कार। देखिए ग्रीन टीवी यूट्यूब पर भी, बस सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।